उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 15 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें डाबरा से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश राजे खड़े हो रहे हैं। डाबरा से बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री इमरती देवी खड़ी हो रही हैं। इस बार डबरा सीट पर समधी और समधन का आमना सामना होगा। इस बारे में शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि वो इस बार चुनाव 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो किसी को ना किसी को मिलना ही था, चुनाव तो होता है, उसको चुनाव को लड़ेंगे और जनता के भरोसे पे इमरती देवी चुनाव लड़ेगी और भाजपा से चुनाव लड़ेगी, कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। कांग्रेसियों का लोगों का कहना है कि अब की बार इमरती देवी जी को जलेबी बनाकर भेजना। हम कह रहे हैं ना कमलनाथ जी आ जाए, दिग्विजय सिंह आ जाए, सब खटिया डाल ले डबरा में और उनको का बनेगो, एक जाएंगे भोपाल में बैठेंगे, एक बम्बई चले जाएंगे, मध्य प्रदेश में एक रंगे सुबह थोड़े दिनन के मेहमान। किस तरीके से सिंधिया जी का प्रभाव रहेगा आपके क्षेत्र? हमारे सिंधिया जी हो चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, जबरदस्त प्रभाव है डबरा में और जबरदस्ती से चुनाव जीतेंगे, 1 लाख के पार जाएंगे। समधी जी को मनाने के भी प्रयास करेंगे क्या? अरे अपन किसी को नहीं मनाते, अपन तो जब जो मैदान में आए उसके बराबर से लड़ते हैं, हार जीत तो मनावे में तो कल मना लेंगे, लेकिन फिर जनता के बीच में एक अच्छा संदेश नहीं जाता, मैं बराबरी से चुनाव लड़ूंगी, कोई नहीं मनाऊंगा। 8 साल बाद फिर एक बार समधी समधन आमने सामने होंगे? नहीं नहीं काय को होंगे, 2013 में भी थे ना, 35,000 से हराए थे, अब तो 50,000 से हरा देंगे। आपको बता दें कि ये दूसरा मौका है जब इस सीट पर समधियों के बीच टकराव होगी। पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी समधन इमरती का चुनाव प्रचार किया था और इमरती 57,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार डबरा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होगा जब समधी समधन आमने सामने होंगे। कांग्रेस ने सुरेश राजे को अपना प्रत्याशी बनाया है तो वहीं बीजेपी से इस बार इमरती देवी चुनाव लड़ रही है। इससे पहले भी दोनों समधी समधन के बीच 2013 में भी मुकाबला हो चुका है। अब इस उपचुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी जल्द सामने आ जाएगा। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट।